अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ उपमंडल नूरपुर की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार को पंचायत समिति हॉल नूरपुर में हुई, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम नूरपुर अनिल भारद्वाज ने की। इस बैठक में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष अश्विनी कुमार, उपमंडल नूरपुर के अध्यक्ष राजेश सहोत्रा सहित कर्मचारी महासंघ के विभिन्न पदाधिकारी व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा, जिस पर एसडीएम नूरपुर ने ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर उन्हें पूरा करने का पूर्ण भरोसा दिया और शेष को प्रदेश सरकार को भेजने का आश्वासन दिया। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन बहाल की जाए, भविष्य में अनुबंध पर भर्तियों को बंद किया जाए, उपमंडल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के लिए भवन बनाने के लिए धन व भूमि उपलब्ध करवाई जाए, कर्मचारियों की आवासीय भवनों की मरम्मत के लिए धन उपलब्ध करवाया जाए, सिविल अस्पताल नूरपुर के लिए कर्मचारियों के आवासों के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाए, संयुक्त भवन कार्यालय नूरपुर में कर्मचारियों के लिए कैंटीन सुविधा उपलब्ध करवाई जाए व यहां कर्मचारियों के वाहनों का पार्किंग शुल्क न वसूला जाए, साथ ही यहां के शौचालयों की मरम्मत की जाए, करुणामूलक आधार पर नौकरी के आवेदनों का तुरंत समाधान सुनिश्चित हो और दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को बिना कारण बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े, खंड चिकित्सा कार्यालय गंगंत का नाम बदलकर नूरपुर किया जाए, सरकारी कर्मचारी द्वारा जो वेतन विकल्प दिया गया है उन्हें पुनः शुद्धिकरण के अवसर प्रदान किए जाए, सभी विभागों में दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मियों की नियुक्ति करने की मांग, समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अपना भवन की सुविधा उपलब्ध हो, उपमंडल नूरपुर में जल शक्ति विभाग के समस्त पनप हाउसों में शौचालय सुविधा व आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध हो आदि मांगे प्रमुख रही। इस अवसर पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने बताया कि वह प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं कि जो सरकार व कर्मचारियों के बीच लंबे समय से संवाद बंद पड़ा था उसे बहाल किया गया है और इसी कड़ी के तहत आज संयुक्त सलाहकार समिति की नूरपुर में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम नूरपुर ने की। इसमें उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को सुना, जिसमें ज्यादातर का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और शेष मांगों को जो कि सरकार द्वारा हल होनी है उन्हें सरकार को भेजने का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर एसडीएम नूरपुर अनिल भारद्वाज ने कहा कि आज संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक हुई है, जिसमें कर्मचारियों की लगभग 31 मांगों को रखा गया, जिसमें से जो मांगे उपमंडल स्तर की हैं उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया गया है और जो मांगे सरकार द्वारा पूरी होनी है उन्हें सरकार को भेजा जाएगा ताकि उन पर उचित कार्रवाई हो सके। विभिन्न कर्मचारियों द्वारा अपनी लगभग 31 जो मांगें थी वो रखी गई और उसमें से लगभग जो भी मांगें उपमंडल स्तर पर निपटाने योग्य थी उनका निपटारा करने का आश्वासन इन्हें दे दिया गया है तथा कुछ मांगें ऐसी हैं जो सरकारी स्तर पर ही जिनका हल होगा तो वो मैं आश्वासन इनको दिलाना चाहता हूँ कि वो मांगे हम सरकारी स्तर पर अपने शासन के जो उचित जो एक माध्यम है उसे भिजवा देंगे ताकि उन समस्याओं का भी सरकारी स्तर पर निराकरण हो सके। सरकार का इसलिए धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये जो कर्मचारियों और सरकार के बीच जो संवाद का एक माध्यम था बड़े लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर्मचारियों की मांग को सुना, उन्होंने उसे ढंग से समझा और पुनः सरकार और कर्मचारियों के बीच के संवाद को बहाल करा। उसी कड़ी के अंतर्गत आज संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक नूरपुर उपमंडल में भी रखी गई थी, जिसका आयोजन सब नूरपुर द्वारा करा गया था और जिसकी अध्यक्षता माननीय एसडीएम महोदय जी द्वारा की गई है, जिसमें कर्मचारियों की मैक्सिमम समस्याओं को सुना गया, ठीक ढंग से समझा गया और मौके पर उनका निपटारा करा गया और जो समस्याएं सरकार के द्वारा जिनका समाधान होना था उनको एसडीएम साहब जी ने जी आश्वस्त करा है हमें कि उनका समाधान जो सरकार के माध्यम से करवा दिया जाएगा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।